शिमला की संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग ने सुनाया। मुस्लिम पक्ष की ओर से नजाकत अली हाशमी ने जिला अदालत में याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन से जुड़े नजाकत अली हाशमी का तर्क है कि उन्होंने इस मस्जिद निर्माण के लिए डोनेशन दी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका में तर्क दिया गया है कि मोहम्मद लतीफ और सलीम किस आधार पर नगर निगम आयुक्त की अदालत में पेश हो रहे थे। याचिका में नजाकत अली हाशमी ने खुद को पीड़ित बताया है। वहीं इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में पेश हुए भूप सिंह ने कहा कि थर्ड पार्टी ने खुद को कंसर्निंग पार्टी बताते हुए जिला अदालत में अपील की है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से मस्जिद कमेटी के कोर्ट में दिए हाल ही में अपने की मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी है। साथ ही मस्जिद से अवैध निर्माण हटाने पर भी स्टे मांगा है। इसके अलावा लोकल रेजिडेंट्स की ओर से भी पार्टी बनाए जाने को लेकर अपील की गई है। न्यायालय ने नगर निगम के मामले से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए हैं। साथ ही अब इस पूरे मामले पर 11 तारीख को न्यायालय कोई निर्णय लेगा कि जो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वन शिमला के कोर्ट में कोई ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन है नजाकत अली हाशमी जी, उन्होंने सेक्शन 253 ऑफ एमसी एक्ट में एक अपील दायर कर रखी है जो कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को जो ऑर्डर किए थे 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने के, और जो ऑर्डर किए थे वो 12/9/2024 को एक रिप्रेजेंटेशन जो था वो संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट लतीफ मोहम्मद ने दिया था, और उस दिन उन्होंने सारे मीडिया में जाकर के और न्यूज़पेपर में जाके बड़े बड़े अपने फोटो छुपाए वहाँ पे, और ये स्टेटमेंट्स दी कि हम जो है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, सद्भावना को बनाना चाहते हैं। और उसके बाद 13/9/2024 को अगले ही दिन वक्फ बोर्ड ने भी एक रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर साहब के कोर्ट में दिया और ये कहा कि जो 3 फ्लोर है हम उनको तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी उस दिन वो बहुत अपने मीडिया में लिख के दिया कि हम ये करना चाहते हैं, हम सद्भावना बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये कि 12/9/2024 की चिट्ठी जो प्रेसिडेंट की थी और 13/9/2024 की चिट्ठी जो वक्फ बोर्ड की थी थ्रू स्टेट ऑफिसर, उन दोनों एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए और उनकी रिक्वेस्ट को अलाउड करते हुए कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर पास किया था कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीव्ड और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आप इस 3 फ्लोर को जो है आप रिमूव करें। और हमें खुशी की बात है कि जो प्रेजिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी है उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लायंस भी शुरू कर दी थी और वो आज की डेट में भी कर रहे हैं उसको। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी जैसा हमने आपको पहले कहा था, और उस रिट में माननीय हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दी थी कि इस केस का निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करें, और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो 20 दिसंबर से पहले पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो पोंटा साहिब से हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपना, उन्होंने एक अपील इस ग्राउंड पे की है कि जी मैंने कुछ डोनेशन दिया था पैसा इस मस्जिद को बनाने के लिए, इसलिए मैं एग्रीव्ड हो गया, जबकि एज पर लॉ वो एग्रीव्ड नहीं है, ना वो स्टेक होल्डर है और ना ही वो लीगली उनका कोई लोकल स्टैंड आया है इस अपील को फाइल करने का। और आज वो कोर्ट में जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है 5 अक्टूबर का उसके ऊपर स्टे मांग रहे थे कि जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है जो डेमोलिशन का जो 3 फ्लोर का जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ऑर्डर किया था, तो आज हमने कोर्ट के अंदर उसको अपोज किया है, कोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया है, और अब जो अगली तारीख है वो 11 नवंबर के लिए लगाई गई है, उस दिन जवाब दिए जाएंगे। और उसी दिन जो है कोर्ट ने कहा है कि हम इस अपील को फाइनली इस अपील के ऊपर सुनवाई भी करेंगे और जो स्टे एप्लीकेशन है उसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर 11 तारीख को। सर हमारी जो एप्लीकेशन है जो 21 अक्टूबर 2024 का जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने हमारे को ये डायरेक्शन दी है कोर्ट को कि जब भी आप इस केस की सुनवाई करें
तो स्टेक होल्डर को बिना सुने इस केस की सुनवाई ना करें। तो हमारी एप्लीकेशन देने या ना देने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर कमिश्नर साहब को चला गया है, और अदरवाइज जो ये 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था कमिश्नर साहब का, उसमें कंप्लायंस जो है 21 दिसंबर के लिए रखी गई थी, लेकिन जब हाईकोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है और टाइम बाउंड 20 दिसंबर को ख़त्म होता है, तो जो ये केस है पहले ही प्रीपोन कर दिया जाएगा और स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस किए जाएंगे कमिश्नर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारे को सुने बिना इस केस का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा है। तो हमारी एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने कोर्ट में आज यही कहा कि जिसने अपील फाइल की है इसका लोकस सेंडाई क्या है, इस आदमी का इस केस से क्या लेना देना है, जबकि ये आदमी ना तो नीचे वाले कोर्ट में जो है ये पार्टी है, ना ये अफेक्टेड है और ना इसका कोई ग्रीवांस है वहाँ पे। तो अब 11 तारीख को फाइनली इस केस का जो है कोर्ट ने कहा है, तो मुझे लगता है 11 तारीख को इस अपील का निपटारा हो जाएगा और इस अपील जो है जो ये फाइल की गई है ये डिसमिस होगी और हम कोशिश करेंगे इनको जुर्माना कम से कम 5 लाख रुपये का लगे। थैंक यू। मैं मॉस्क मेटे की तरफ को वहाँ तो मैं रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग बक बोर्ड ओनली। ये जो अपील दायर की गई हुई है, एक थर्ड पार्टी ने अपील दायर की हुई है कि हमारे इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उस अपील की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कि क्या वो अपील दायर कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक नंबर दो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है कि हमें पार्टी इंडेट किया जाए, उनका रिप्लाई फाइल होगा, नंबर तीन एक स्टे एप्लीकेशन दी हुई अपील के साथ उसका रिप्लाई फाइल करेंगे, 11 नवंबर को इन सब चीज़ों के ऊपर हेयरिंग होगी। अपील मेंटेनेबल है नहीं है, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, लोकल रेजिडेंस उसमें पार्टी इंपीड हो सकते हैं नहीं हो सकते लीगली, ये सारी चीज़ें 11 नवंबर को देखी जाएगी। ओनरशिप का इशू तो देखिए अभी इन्वॉल्व है ही नहीं है, मेंटेनेबिलिटी अभी तो अपील की मेंटेनेबिलिटी का इशू इन्वॉल्व है। So what are you expecting on and what is the next? That cannot be said right now. Right now it cannot be said. We'll file detailed reply and we'll argue on that matter and accordingly court will decide. It's too early to say. What is the next date of hearing? 11th of November. Thank you. Sir, appeal की है हमने file, जो commissioner साहब का order है उस order के against हमने appeal file की है यहाँ court में, और वो हमने पहले की थी, आज दूसरी date लगी है उसमें और अब 11-11 को रखी माननीय कोर्ट ने, और 11-11 को उस दिन मेंटेनेबिलिटी और अदर इश्यूज जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं इसमें बनना चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियां बोल रही हैं अपने आप को, वो उनको सुना जाएगा और उस दिन फिर उनका लोकस भी के ऊपर भी डिसीजन होगा। जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन जो ऑर्डर पे आज माई प्ली इन द कोर्ट इज दिस दैट आई एम अ डोनेटर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई हैव डोनेटेड एंड अंडर वर्क फैक्ट आई एम एन एग्रीव्ड पर्सन, एंड बीइंग एन एग्रीव्ड पर्सन आई एम सेइंग एंड आई एम चैलेंजिंग दैट ऑन व्हाट बिहाफ मिस्टर लतीफ और सलीम वाज अपीयरिंग बिफोर द कमिश्नर्स कोर्ट एंड ऑन व्हाट बिहाफ दे हैव बीन ऑन हूज बिहाफ दे हैव बीन ऑथराइज्ड टू से that we are ready to demolish the mosque because they are not the president or they are not the any post holder of the masjid committee, an authorized person in the masjid committee. And second is this that the MC Act says that if there is no any objection upon the map submitted in the commission in the commissioner's office and if it is not dealt up to 60 days then it is to be considered as a deemed sanction of the man. This was our jo aap hain, is it an organization and they are running an educational institution at Nahan, so we are appearing on behalf of these people. Koi nirnay nahi hua, court ne kaha ki hum record manga lete hain commissioner's office se aur isliye unhone 11-11 ke liye rakha. ठीक है।